dear students, hope you all are doing well at your homes. Today is my first lecture of your grammar class 6, English grammar class 6, and we are going to start unit number 8 from third term. And our topic is prepositions. Prepositions kya hoti hai? It shows the relationship of a noun with pronoun. कि नाउन जो है सब्जेक्ट जो है उसका प्रोनाउन से जो है वो क्या रिलेशनशिप है. एंड समटाइम्स हम ये भी देखते हैं कि इट टेल्स अबाउट द पोजीशन. ठीक है, इट इज द प्रेपोजिशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. ठीक है, एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस के बारे में भी आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में जो है पढ़ा होगा. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कस अबाउट द प्रेपोजिशंस. हमारे पास डिफरेंट प्रेपोजिशंस हैं आपकी बुक में जो है वो टू टाइप्स की मेनली जो है वो डिस्कस की गई हैं. और इसके अलावा जो है ये प्रेपोजिशंस आपको ये बताती हैं कि नाउन की पोजिशन क्या है. ठीक है, ही इज आप अक्सर यूज करते हैं द डस्टर इज ऑन द टेबल. डस्टर इज ऑन द टेबल, डस्टर इज अ नाउन. ठीक है, और अब ये प्रोनाउन जो है या नाउन या प्रोनाउन की जो पोजीशन है, रिलेशनशिप ऑफ नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, और इसके लिए हम जैसे मैं बता रही डस्टर इज ऑन द टेबल, टेबल पे डस्टर है. ठीक है, सो डस्टर कहाँ है, टेबल पे. तो ये हमें क्या बता रहे, पोजीशन बता रहा है टेबल की. इट टेल्स अबाउट द पोजीशन. ठीक, नेक्स्ट इज आपकी बुक में जो है वो डिफरेंट प्रपोजिशंस हैं, बहुत सारी प्रपोजिशंस हैं आपकी बुक में जो है वो फ्यू डिस्कस की गई हैं टेबल फॉर्म में. टू हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम, प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. इसके अलावा डिफरेंट प्रपोजिशन हैं जैसे कि इन, फ्रॉम, ओवर, अंडर, बिलो, बिसाइड, ऑफ, अप, आउट, ऑन, थ्रू, विद. ये सब क्या है, प्रेपोजिशंस हैं. ठीक है, मैंने कुछ यहाँ लिखी हुई भी हैं. अब जैसे ये अबाउट, विद, बाय, ऑफ, ठीक है, अप, डाउन, बिलो, ऑन, ऑफ, ये सब भी क्या है, ये भी प्रेपोजिशंस हैं. ठीक है, ये पोजीशन बताती हैं. इट शोज द रिलेशनशिप ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. ठीक है, नाउन और प्रोनाउन का जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बता दिए कि हम लोग इसकी पोजीशन जब हम डिस्कस करते हैं. सो देयर आर टू मेनली काइंड ऑफ प्रपोजिशंस. यहाँ पे मैंने आपको बताया कि इन प्रपोजिशंस को हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनको हम यूज कहाँ पे करते हैं और इनको हम डिफरेंट सेंटेंसेस में इनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. और जो है ऑन हम इसको टाइम में भी यूज करते हैं, हम इसको डायरेक्शन में भी यूज करते हैं. तो टाइम के लिए हम इसको कैसे यूज करते हैं, विद डेज. कहाँ यूज करते हैं, डेज. ही विल कम ऑन मंडे, वो मंडे को आएगा. वी हैव अ लाइब्रेरी पीरियड ऑन मंडे. ठीक है, ही विल गो टू स्कूल ऑन ऑन ट्यूजडे, वो ट्यूजडे पे स्कूल जाएगा. ठीक है, ही विल गो टू स्कूल ऑन ट्यूजडे एंड ही विल कम ऑन मंडे. सो हम बेसिकली टाइम के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम ऑन मंडे. तो ऑन हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन है. और मंडे मैंने जैसे कि बताया हम डेज के लिए भी यूज कर रहे हैं. ठीक, नेक्स्ट हमारे पास प्रेपोजिशन है. आप इन सबसे फेमिलियर हो, आपने अपनी बुक्स में भी आप रीड कर रहे हैं और पीछे आप डिफरेंट क्लासेस में भी जो है प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ के आ रही हैं. हम इनको सिर्फ रिकॉल कर रहे हैं ना. इन, ठीक है, इन जो है हम इसको सीजन के साथ भी यूज कर लेते हैं. He will wear warm clothes in winter. In winter, winter is a season. और winter से पहले हम क्या use कर रहे हैं, in, कि वो कब कपड़े पहनेगा, गर्म कपड़े पहनेगा. He will wear warm clothes in winter. Flowers will blossom in spring. ठीक है, या during spring. During भी जो है हमारे पास preposition है. ठीक है, during भी जो है वो हमारे पास क्या है, preposition है. So flowers will blossom during spring. It in monsoon it rains heavily. Monsoon में जो है वो बारिशें ज्यादा होती हैं. ठीक है, फिर टाइम ऑफ द डे, ही विल कम इन इवनिंग, ही विल कम इन द मॉर्निंग, द सन राइज इन द मॉर्निंग. ये सब हम ये इनकी एग्जाम्पल्स मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ. मंथ, ही विल
कम इन जुलाई, वो जुलाई में आएंगी। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे इन जून, मैं अपने बर्थडे जून में सेलिब्रेट करूंगी। सो दीज आर द फ्यू जहां हम ये यूज कर सकते हैं। इनको हम कहाँ यूज कर सकते हैं? एवरी सीजन में, ईयर्स के लिए, टाइम ऑफ डे एंड मंडे। मैंने काफी सारी आपको एग्जाम्पल जो है वो रिपीट की। अब आप यहाँ पे भी मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिख देती हूँ। फ्लावर्स विल ब्लॉसम इन स्प्रिंग, ठीक है, ये सीजन्स के लिए, ठीक। फिर नेक्स्ट कर ले, सनराइज इन द मॉर्निंग, ये आपका टाइम ऑफ द डे के लिए आ गया। अच्छा, टाइम ऑफ द डे में हम इन नाइट को नहीं के लिए नहीं यूज करते। हे विल कम इन नाइट, हम इन नाइट नहीं यूज करते, हम नाइट के साथ एट यूज करते हैं। हम नेक्स्ट प्रेपोजिशन ले लेते हैं एट, हम नाइट के लिए क्या यूज करते हैं? एट, ठीक है। और आप इसमें हम कर लेते हैं, आई गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स एट, सॉरी, गो आउट टू प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, ये हम इनके लिए यूज कर लेते हैं। और एट के लिए हम यूज कर लेते हैं, आई लाइक माई ग्रैंड मदर टू टेल मी स्टोरी एट बेड टाइम, आई विल हैव माई डिनर एट नाइट, ठीक है। सो इसके लिए आई लाइक टू लिसन स्टोरीज एट बेड टाइम। अब यहाँ नाइट में लिखा हुआ, ठीक है, बेड टाइम मीन्स आपके रात के वक्त ही, बेड टाइम। सिंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट टिल प्रेजेंट, एट जो है, इन जो है, ये डायरेक्शन के लिए भी यूज कर लेते हैं हम, वही बताने के लिए कि अगर जैसे ही इज सिटिंग इन द चेयर, वो चेयर में बैठा है, अगर आर्म्स वाली चेयर है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे ही इज सिटिंग इन द चेयर, ही इज सिटिंग। अगर चेयर जो है विदाउट आर्म्स है, सिंपल चेयर है, देन वी विल यूज ही इज सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक। सिंस फ्रॉम अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट टिल प्रेजेंट, ठीक है, पास्ट में ये काम शुरू हुआ और टिल प्रेजेंट ये जो है या फ्यूचर तक जो है ये काम होता रहेगा, तो उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? सिंस, ठीक है, जहां जैसे कि टाइम जो है हम टाइम के लिए यूज करते हैं, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 5:30, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल ले लें, आई हैव बीन वर्किंग मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग के लिए भी आप यूज कर सकती हैं। सिंस आफ्टरनून, मैं सुबह से काम कर रहा हूं, ठीक है, मैं सुबह से काम कर रहा था। नेक्स्ट इज फॉर, ठीक है, फॉर टू शो अ पीरियड ऑफ टाइम, एक अरसा, दौरानिया जो अब आपने बताना हो कि इस काम को इतना अरसा हो गया, जैसे 2 सालों से, 3 सालों से, 2 माह से, तो आपको नहीं पता, एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो दौरानिया या अरसा जब हमने शेयर करना होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं, ठीक है। आई विल गो टू लाहौर फॉर 2 वीक्स, मैं 2 हफ्तों के लिए लाहौर जा रही हूँ, ठीक है, गो टू लाहौर फॉर 2 वीक्स, ठीक है। फॉर क्या है? प्रेपोजिशन है, हम यूज कर रहे हैं, आई विल गो टू लाहौर फॉर 2 वीक्स, ठीक है। नेक्स्ट इज अगो, लास्ट वन जो है हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में, अगो टू टॉक अबाउट टाइम इन द पास्ट, कि पास्ट में जो है, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, लॉन्ग अगो, एक दफ़ पहले, ठीक है, तो काफी पुरानी जो बात हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? पास्ट टाइम के लिए अगो यूज करते हैं, ठीक। I can have completed my work a month ago. I have completed my degree. I had, sorry. I had completed my degree month ago. ठीक है? एक माह पहले, एक साल पहले, year ago. ठीक? ये तो होगी हमारे पास प्रेपोजिशंस ऑफ टाइम।
नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन और इनकी भी हम साथ साथ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. ठीक, सो प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन में जो है कॉमन जो डायरेक्शन के लिए हम प्रपोजिशन यूज करते हैं उनमें आ जाती हैं एन, एट, ऑन, टू. इन हम यूज करते हैं टू टॉक अबाउट इनसाइड ऑफ अ प्लेस. जैसे मैंने अभी आपको ये पढ़ाते हुए यहाँ इन बताते हुए मैंने आपको बताया कि सपोज अगर आप जो है एक चेयर है आपके पास, आर्म्स वाली चेयर है जिसके बाजू भी होते हैं आर्म्स के, चेयर के अगर आप उसमें बैठे हो तो यू विल यूज इन. और अगर आप चेयर आपके पास जो है विदाउट आर्म्स है तो आप उसको कहते हैं आई एम सिटिंग ऑन द चेयर. ठीक, सो इसके अलावा हम आई लिव इन झंग, मैं झंग में हूं. ठीक है, आई लिव इन झंग. ठीक है, एन इज प्रपोजिशन एंड दिस वन इज नाउन. ठीक, इसके अलावा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं He is sitting in the chair. In the chair. At is used to refer to specific position, कोई खास जगह बताने के लिए. ठीक है, या with event. ठीक है, he will come at birthday. वो birthday पे आएगी. ठीक, आएगा. यहाँ हम कर लेते हैं she will come at my birthday. अब यहां माई जो है प्रोनाउन है एट माई बर्थ. और पोजिशन के लिए हम एट जो है वो डिफरेंट सेंटेंसेस में आई सॉ द चीफ मिनिस्टर एट द एयरपोर्ट, कि उन्होंने उन्हें कहां देखा, एयरपोर्ट पे देखा. ठीक, वो पोजिशन होगी, वो जगह के लिए यूज हो गया. नेक्स्ट इज ऑन विद स्पेसिफिक प्लेसेस, खास जगहों के लिए. जैसे द फ्लावर वेस इज ऑन द टेबल, डस्टर इज ऑन द रोस्टर. ठीक, there is a part on the right, pencil is on the table. ठीक है, there is a board marker on the chair. So on हम use कर रहे हैं specific places के लिए. जैसे I live on the ground floor. ठीक, इसके लिए हम on use कर रहे हैं. यहाँ मैं इसकी example लिख देती हूँ. Duster is on the roster. Your dice. Movement in specific direction to किसी चीज की तरफ जाना. जैसे I will go to Lahore to. He went to school. वो school गया. To जो है ये क्या है आपके पास preposition है. We will go to Lahore for a picnic. इसमें भी हम to use करते हैं. ठीक, टू जो है प्रपोजिशन है. नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ गेम टू ऑल द प्लेयर्स, टू ऑल द प्लेयर्स. तो ये हमारे पास टू हम यूज करते हैं स्पेसिफिक पोजिशन के लिए. ठीक, डायरेक्शन के लिए. तो यहाँ लिखे ही आई वेंट टू स्कूल. यहाँ मैंने आपको ये किसकी ये एग्जाम्पल बता दी. एक्सप्लेन द रूल्स टू प्लेयर टू ऑल प्लेयर्स. तो यहाँ पे भी हमारे पास टू जो है वो हमने दो डिफरेंट सेंटेंसेस में यूज किया एज अ प्रपोजिशन. सो दीज आर द प्रपोजिशंस ऑफ टाइम एंड प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन जो आपके बुक में डिस्कस ही की. बिसाइड ऑल दीज, ये जो कुछ प्रपोजिशंस मैंने यहाँ लिखी हैं अबाउट, विद, अप, बाय, ऑफ, अंडर, डाउन, बिलो, ऑन, ऑफ, ड्यूरिंग, ये सब प्रपोजिशंस भी हम यूज करते हैं. ठीक है, जिनमें इसके अलावा आ जाती है बिसाइड, साथ साथ, अपसाइड, डाउनसाइड. ठीक है, ये हम प्रपोजिशंस यूज करते हैं, बाय यूज करते हैं. सो नाउ कमिंग टू योर एक्सरसाइज, आपके एक्सरसाइज पे आते हैं ऑन पेज नंबर 35 ऑफ योर ग्रामर बुक्स. फर्स्ट वन इज एक्सरसाइज पार्ट ए, सर्कल द करेक्ट प्रपोजिशंस. आपको टू ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपने यू हैव टू करेक्ट द वन, सिंगल वन को आपने सर्कल करना है. ताहिर इज इन या On her bedroom, in her bedroom, position है. ठीक है, about inside a place, किसी चीज के अंदर अगर आपने बताना हो तो उसके लिए हम in use करते हैं. ठीक, Ali is by या at school, Ali is at school. ठीक है, the fridge is in the kitchen. अब under the kitchen obviously बात ही नहीं हो सकता. हाँ ये हो सकता है, the cat is under the table,
ठीक है, ही इज अबाउट टू गो, वो जाने वाला है, ही इज गोइंग अपस्टेयर्स, ठीक है, विद आई एम गोइंग विद, या ही इज इंटीमेटेड विद, वो उसके साथ, विद हम साथ के लिए यूज करते हैं, ठीक है, बिसाइड, ही इज सिटिंग बिसाइड टू मी, वो मेरे साथ बैठा है, बिसाइड मींस बिल्कुल साथ, ठीक, until his come his not come coming till या until, ठीक है, कि अभी तक उसने ये काम नहीं किया, he has not completed his work till now या until he will finish his work, तो ये सब हम preposition use करते हैं, of use कर लेते हैं, below his the table is sorry the cat is below the table. So next is the tunnel runs dash the mountain through या from, through the mountain के उसके दरमियान से गुजर रही है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, through, through भी आपके पास preposition है, I spotted him from across the road के सड़क के साथ, through and across ये भी आपके पास क्या है, prepositions है, through and across, from, ये भी आपके पास क्या है, prepositions है, ठीक है, next part B, choose appropriate prepositions from the brackets, brackets से आपने choose करनी है, the verse is dash the cabinet, in the cabinet, the cabinet close होते हैं, तो closet वाली चीज में in हम use करते हैं, the dog sat besides the little boy, अब beside या besides, ठीक है, सिंगुलर सेंटेंस है तो इट्स सॉरी उसके साथ बैठे है तो बिसाइड्स, ज़ैन एंड ज़ारा शेयर्ड द स्वीट्स देमसेल्व्स अमंग देमसेल्व्स, सो अमंग इज आल्सो द प्रेपोजिशन, अमंग मींस आपस में, ठीक है, द डैश हिस्ट्री, व्हाट आर योर अदर सब्जेक्ट, बिसाइड्स, बिसाइड लव नहीं लिखेंगे, लव्स नहीं लिखेंगे, besides word हम जो क्या use करते हैं, besides, see there were other people in the party beside myself, ठीक है, beside plural के साथ होते हैं, singular के साथ besides और plural के साथ beside, ठीक है, choose a preposition with the box to complete the sentences, please explain the rules of the game to all the players. Today my teacher praised me dash my excellent essay for my excellent essay English essay. I leaned my bicycle dash the wall against the wall. Sarah has gone to Karachi dash her parents with her parents. I first heard the story dash you by you. Can you tell me the name dash that beautiful flower of? I have not heard from my uncle for a long time. Samina kept her clothes dash a big wooden cupboard till through in, so in a big cupboard. Junaid will have dinner dash me with me. The mountain climber tied a rope dash his waist and its answer is part C, that is around. Next one is filling the blanks with the suitable prepositions to complete a description of the pictures. Number one is Harris cat. Kitty is looking dash a mouse at a mouse. Kitty cannot see it because it is hiding dash the cupboard in the cupboard. Cat is sitting dash a mat on a mat. He is looking dash kitty at kitty. And there is painting dash the wall. There is painting on the wall. So this is your unit number 8. हमने कुछ स्पेसिफिक प्रेपोजिशन जो कॉमनली यूज प्रेपोजिशन हैं वो स्टडी की. बिसाइड दीज प्रेपोजिशन हमने इन प्रेपोजिशन को भी स्टडी किया जिनको डिटेल में नहीं था, इनके सिर्फ नेम्स आपके बुक में दिए हुए थे. ऑल्दो दे आर यूज्ड इन योर एक्सरसाइज, आपको एक्सरसाइज में इनकी भी एग्जाम्पल्स जो है वो दी हुई है. सो यू हैव टू रीड इट, यू हैव टू लर्न द होल चैप्टर. योर डायरी इज सॉरी यूनिट नंबर 8 from grammar book and learn and solve on your book. You have to learn and solve it on your book. Aapko exercise solve karni hai. Do practice of the prepositions and your task is
you have to underline the prepositions from your third term syllabus, any of the chapter of your third term syllabus. थर्ड टर्म सिलेबस से किसी भी चैप्टर में अपनी टेक्स्ट बुक से यू हैव टू अंडरलाइन द प्रेपोजिशंस. थैंक यू वेरी मच. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.